हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तथा आपके एग्जामिनेशन भी बहुत नजदीक हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और हमारे वीडियो लेक्चर में पूरे लास्ट तक देखें। लास्ट के वीडियो लेक्चर में इसके बेस्ट एक और क्वेश्चन हम आपको देंगे जिसको आप खुद से करेंगे, और जो भी उसका आंसर होगा आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द साइड ऑफ राइट एंगल इन ए राइट एंगल ट्राइंगल is 14 cm. The area of triangle is 120 cm square. Calculate the perimeter of the triangle. Question से बता देते हैं, the difference between the side at right angles in a right angle triangle is 14 cm. The area of the triangle is 120 cm square. Calculate the perimeter of the triangle. तो सबसे पहले एक right angle triangle हमें given है, A B C, और इसका जो साइड है ले साइड इक्वल टू x कर लेते हैं, तो जो अदर साइड है वो हमें गिवन है कि इसका जो डिफरेंस है 14 है, यानी x माइनस 14, और एरिया जो है ये हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, और एरिया में गिवन 120 इक्वल टू 1/2 इनटू एक्स माइनस 14, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 120 इंटू 2 इक्वल टू x में x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x, और जब इसको हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 240 इक्वल टू 0, और जब इसको हम एडजस्ट करेंगे स्प्लिट करने के लिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस प्लस 10x माइनस 240 इक्वल टू 0, और जब इसके सब कॉमन लेंगे x तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 24, और जब यहां से हम कॉमन लेंगे 10 तो यहां पे बच जाएगा x माइनस 24 इक्वल टू 0, x प्लस 10 और x माइनस 24 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 10 और x इक्वल टू 24। ये माइनस में है, माइनस में साइड कभी भी नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। x इक्वल टू 24, तो साइड हमारे पास निकल के आ गया है, साइड इक्वल टू हो जाएगा 24, और अदर साइड जो है इसको हम x माइनस 14 किए थे, यानी अदर साइड है 24 माइनस 14 यानी 10 सेंटीमीटर। आप इसको एक बार नोट कर लें। इस तरीके से हमारे पास एक साइड ये 10 और एक साइड हमारे पास 24 आ गए हैं। तो यहां पे हम राइट एंगल ट्रायंगल में इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए बी जो है हमारे पास 10 का स्क्वायर प्लस बी सी जो है 24 का स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, यानी ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 100 प्लस 24 में 24 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 576 हो जाएगा, तो AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 676। इस तरीके से हम इस AC निकालेंगे तो AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 26 इनटू 26 यानी 26। AC हमारे पास आ गया है 26, AB हमारे पास आ गया है 10,
और बीसी हमारे पास आ गया 24। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कैलकुलेट द पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ थ्री साइड, यानी ए बी, बी सी, ए सी, 26 प्लस 10 प्लस 24। और जब इसको मैड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 4 10 4 1 5 प्लस 10, यानी 60 सेंटीमीटर। तो आप इसको एक बार सही से नोट कर लें, उसके बाद इसी में बेस एक और क्वेश्चन देंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस पे बेस नहीं, एक और क्वेश्चन आपके पास है, आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाएं और इसका जो भी आंसर होगा हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द साइड ऑफ राइट एंगल इन ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं, और यदि हमारा वीडियो लेक्चर आपके लिए उपयोगी हो रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।